नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कबीर के जीवन के एक प्रसंग से जीवन जीने की कला सीखेंगे। संत कबीर के जीवन के कई ऐसे प्रसंग प्रचलित हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को अपना लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक युवक संत कबीर के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, मैं समझदार हूँ, तो मुझे सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर जी ने लड़के की बात ध्यान से सुनी और बिना कुछ बोले एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन में गड़े एक खूंटे पर मार दी। ये देखकर युवक वहां से चला गया। अगले दिन वही युवक कबीर के पास आया और बोला कि मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया। कबीर ने फिर खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, लेकिन बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि शायद इनका मौन व्रत है। वह तीसरे दिन फिर आया और वही प्रश्न पूछा। कबीर ने फिर खूंटे पर हथौड़ी मार दी। ये देखकर लड़के को गुस्सा आ गया। वह बोला कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं 3 दिन से प्रश्न पूछ रहा हूँ। कबीर ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ, मैं इस खूंटे पर हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या ठोकर लगने से ये निकल जाएगा। ऐसा ही काम सत्संग करता है। सत्संग हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं सकारात्मक रहें। हर रोज अच्छी बातें पढ़ने और सुनने से हमारा मन बुराई से दूर रहता है और सकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए सत्संग जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।